नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल नीरज एक आवाज़ में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके समक्ष बेहतरीन से बेहतरीन ऐप लेकर आता हूं। आज की ऐप भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, गजब की है। यकीन मानिए, हम महंगे से महंगे मोबाइल ख़रीदते हैं, ड्यूल कैमरा मोबाइल खरीदते हैं, DSLR कैमरा खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी फ़ोटो पाने के लिए या अच्छी से एडिटिंग करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने सिंपल फ़ोन में भी एक एज ए लाइक आप प्रोफेशनल जो एक फ़ोटोग्राफर एडिटिंग कर सकता है, वही एडिटिंग आप अपने सिंपल फ़ोन में भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको करके भी बताऊँगा कि आप कैसे ये फंक्शन करता है। आप PicsArt नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ ओपन करता हूं। ये वर्क कैसे करता है मैं आपको, ये देखो दोस्तों, नीचे ऑप्शन आ चुके हैं। आप इस पर प्लस पर क्लिक करें एक बार, आपके आगे ये चार ऑप्शन आए हैं। पहला तो कि आप फोटो आपके पास है, आप उस पर एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप एडिट कर दीजिए। फिर कोलाज मतलब आप चार पाँच फोटो है आपके पास, उस कोलाज बना दीजिए। ड्रा मतलब आपने पेंसिल का यूज़ करके आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं। और अंत में कैमरा, कि आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं इसी ऐप के माध्यम से। तो हम एडिटिंग पर क्लिक करते हैं, तो मैं कोई फ़ोटो ले लेता हूं, यही फ़ोटो ले लेता हूं। देखो दोस्तों, ये फ़ोटो मैंने ले ली है। तो आप देखो दोस्तों, हम यदि चाहें कि इसका ये जो बैकग्राउंड है ये बदल जाए, तो हम क्या करें इस ऐप के अंदर, तो देखते जाओ, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर नीचे काफ़ी ऑप्शन हैं, इन सब के अलग अलग काम हैं। तो यहाँ पर कट आउट लिखा हुआ है, ये एक सीजर है, एक कैची का निशान है। आप इस पर क्लिक कर दें एक बार। आप ये जो सर्कल है, ये आपके पास चौरस ये खाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप साइज अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। और आपको करना क्या है, इस फोटो के चारों तरफ ऐसे ये लाइन बना देनी है, और ऊपर जो ये आपके नज़र आ रहा है तीर का निशान, इस पर क्लिक कर देना है। राइट हैंड साइड है जो, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये कलर नहीं हुआ है आपकी पिक पर, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ब्रश को सिलेक्ट करना है, फिर दोबारा इसको क्लिक करना है। आप साइज़ अपनी मर्जी के अनुसार ले सकते हैं। तो मैं ले लिया है मैंने, और मैं इसको यहाँ से कलर कर रहा हूं। जहां भी आपकी पिक पर आपको लगता है कि यह कलर नहीं हुआ है, आप वहां पर कलर कर दीजिए। देखो दोस्तों, मैं कर रहा हूं। देखो दोस्तों, मैंने कलर कर दिया है यहाँ पर। आप चेक करके देख ले एक बार कहाँ कहाँ पर आपका कलर पेंडिंग है आपकी पिक पर, और जहाँ पर एक्स्ट्रा कलर है, जैसे कि यहाँ पर पीछे देखो दोस्तों, यहाँ पर आप इसको मिटा भी सकते हो, इस कलर को। इसको देखो, यह पीछे मैंने पीछे की तरफ से ये एक्स्ट्रा जो कलर है इसको मिटा दिया है। अब हम इसको देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, आपने अपनी पिक पर कलर कर दिया है। अब हमें सेव करना है ऊपर से एक बार। अब हमारे आगे ऐसे ये आपकी फ़ोटो आ चुकी है। अब हम बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना, सिंपल आपको यहाँ पर स्क्वायर फिट लिखा हुआ है, स्क्वायर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। अब आप कोई भी ऊपर से कलर भी ले सकते हैं। यदि आप पीछे आप फोटो लगाना चाहते हैं, सीनरी लगाना चाहते हैं, कोई भी लैंडस्केप लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। कैसे, अब आपकी राइट हैंड साइड इमेज लिखा हुआ है, आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी इमेज भी आ गई है, इसको आप ब्लर भी कर सकते हो, डुप्लीकेट हो गया आपका, ये देखें। या आप चाहते हैं कि आप कोई और कुछ लगाए यहाँ पर, तो आप सीनरी भी लगा सकते हैं। आप गैलरी से भी कोई ले सकते हैं डिज़ाइन पीछे लगाने के लिए, कोई भी
जैसे कि मैं आपको लेकर दिखाता हूँ, अभी मैं यही ले लेता हूँ। कोई भी आप अपनी गैलरी से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से यदि आप लेना चाहते हैं तो ये ऐप भी प्रोवाइड करवाती है आपको। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। मैं देखता हूँ मैं कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ। अब देखो दोस्तों, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद हमको करना क्या है, यदि हम चाहते हैं कि भाई ये इसकी बाउंड्री भी होनी चाहिए, चाहते हैं कि भाई ये इसकी बाउंड्री भी होनी चाहिए, फ्रेम भी होना चाहिए, तो हम फ्रेम भी ले सकते हैं, कैसा भी फ्रेम ले सकते हैं। फ्रेम पर क्लिक किया, आप देखें फ्रेम भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शन है नीचे, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप अपनी मर्जी से फ्रेम भी ले सकते हैं। मैं फ्रेम ले लेता हूँ, ये फ्रेम ले लेता हूँ दोस्तों, और मैं इसको यहाँ से एडजस्ट भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद आप इसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि कुछ भी आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, हाँ ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ब्रश में आपके देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर ब्रश पर आपने क्लिक किया और आप उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो भी जहाँ पर भी आप ये स्क्रैब करोगे तो वहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं और कुछ लेकर दिखा, कि आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर ये अगर ये फुटबॉल चाहूँ तो मैं फुटबॉल भी लगा सकता हूँ, साइज अपनी मर्जी के देखो दे, ऐसे सजाने के लिए। उसके बाद हमें इसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद ऐड फोटो, ऐड फोटो में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एक फोटो आपने बना चुके हैं, आप उसके ऊपर कोई दूसरी फ़ोटो पेस्ट करना चाहते हो, मतलब आप कोई भी फ़ोटो, मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, तो ऐड फोटो पर क्लिक कर दिया और ऊपर ऐड पर क्लिक कर देते हैं। देखो ऐसे हम एक फ़ोटो और ऐड कर सकते हैं, एक नहीं काफ़ी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो आप चाहे एडिटिंग कर सकते हैं ऐसे। देखो दोस्तों, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैंने इसको काट दिया। आप इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, नीरज एक आवाज़, ये मेरे चैनल का भी नाम है। अगर आपको ये ऐप रियल में अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आती रहे। अब आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये आपने टाइप जो किया है इसका कलर ब्लू कलर, नो मैंने इसको ब्लैक कर दिया है। आप इसमें और भी ऑप्शन काफ़ी है, शेडो भी कर सकते हैं इसके अंदर, ये शेडो भी कर देता हूँ मैं। शेडो आप कौन से कलर से करना चाहते हैं वो देख लेते हैं कौन सा ठीक रहेगा। चलो मैं यही कर देता हूँ। कहने का मतलब है दोस्तों बहुत ही कुछ है इस, आप ऐसे भी कर सकते हैं पावर पॉइंट पे जैसे हम करते हैं, आप स्टाइल दे सकते हैं इसको, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। देखो दोस्तों ऐसे, उसके बाद हम काफ़ी कुछ था सर, हाँ इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं हम, फॉन्ट
आप कौन सा फ़ोन चाहिए आपको। इस ऐप से बेहतर आपको ऐप कोई नज़र नहीं आएगी एडिटिंग की, ये मेरी गारंटी है आपसे। आप ऐसे ब्रश का यूज भी कर सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे, यदि आप कोई भी डिजाइन, आप यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो हम ऐसे कुछ भी इस पर ब्रश भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है करने का। अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ऊपर पर एरो पर मैंने क्लिक कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर गैलरी पर सेव करता हूँ इसको। गैलरी पर सेव होने के बाद मैं इसको डन कर दिया। अब हम इसको गैलरी में जाकर देखते हैं। देखो दोस्तों, हमने ये एक प्रोफेशनल जो एक फ़ोटो एडिटिंग होती है ऐसे कोई फ़ोटो बना दी है हमने। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।